आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती। एक बार आई वांट टू शो यू समथिंग। ये लो आपके लिए। थैंक यू। आपने क्या सोचा था? मुझे कुछ और ही लगा था। हाँ, गंदी सोच। क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब, ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बैंक में चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है बैंक। आपने तो चोरी तेरी माँ के घर में करेंगे। उसका अगर मतलब कह लो कि उसको मतलब ब्लड की जरूरत होती है हमारे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को, तो उसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता, पर ऑपरेशन एक बार जरा सा गलत हो जाए तो 250 रिश्तेदार मारने के लिए कहां से आ जाते हैं, मेरे को पता नहीं चलता। एक बात बता, जिनकी शादी हो जाती है वो कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, तो सुनना। सुनना क्या हुआ? जानू क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाई थी? हाँ, डॉक्टर ने बोला कि खून में शॉपिंग की कमी हो गई, करा लाओ ना। Why this cola very deep? कर देखे ऐसा, आपका भी गलती नहीं है मैडम, हम जानते हैं मर्दों का जीवन ही ऐसा है यार, ज्यादा इज्जत मिलता ही नहीं है। जब छोटे होते हैं माँ कहती है बेटा जरा धनिया ले आना, बड़े होते हैं बीवी कहती है अरे देखिए जरा रास्ते से धनिया ले आइएगा, बूढ़े होते हैं तो बहू कहती है बाबूजी जरा धनिया जरूर लाइएगा, हमें तो सके कहीं ऊपर वाले के पास पहुंचे वो भी ना पूछ ले हे मनुष्य धनिया लाए हो। हम माना थोड़े मोटे हैं। माना हम थोड़े झल्ले हैं, पर तुम ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अभी पूछ ले तो बोलोगे कि सिंपल नेचुरल लड़कियां पसंद है। वो तुम्हें नेचुरल लगती है? भाई इंस्टाग्राम से ज्यादा फिल्टर ना उसके चेहरे पर है। एंड बाय द वे हैशटैग शी डिड नॉट वेक अप लाइक दिस। ओहो मजा आ गया। वैसे तो मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ज्यादा खा लिया। अभी उठा लो बेटा। मैम साहब खाना खा लिया तो प्लेटें उठा लूं? हाँ बेटा, बोला ना मैंने उठा लो। मेरा मतलब प्लेटें उठा लूं? प्लेटें हाँ उठा लो ना। अरे मतलब उठा लूं क्या? ओहो ये ले 10 रुपए टिप। छी, सिर्फ 10 रुपए? ये तो मेरी बेइज्जती है। तो और क्या करूं मैं? कम से कम 20 तो दो। नहीं बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्यों? मैं तेरी 2 बार बेइज्जती नहीं कर सकती ना। क्या जमाना आ गया यार, हर चीज में धोखा। अभी मैंने फ्रूट वाले से केला लिया, उसका छिलका उतारा, अंदर केला ही नहीं था। है क्या जमाना आ गया। डॉक्टर ने धोखा दे रहे हैं, डॉक्टर अल्लाह माफ करे। एक डॉक्टर को मैंने बोला जाके कि भाईजान मेरे बाल गिर रहे हैं, उसने खाली डब्बा दे दिया। मेरा इससे बाल रुक जाएंगे? बोला नहीं, गिरते हुए बाल इसमें जमा करो। है क्या जमाना आ गया। एक गरीब आदमी अभी अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या मेरे परवरदिगार मुझे मौत दे दे, या मेरे परवरदिगार मुझे मौत दे दे। ऊपर से मौत का फरिश्ता आ गया, बोला चल भाई तेरी दुआ कबूल हो गई। बोला अरे देखना उसकी स्कूटी की लाइट चली हुई है, चल इशारा करके बंद करवा देते हैं। गंदे इशारे करते हो, तुम्हें तो मैं ठर की कहीं के। मगर जल रहे हैं हम, भीगी हुई है रात मगर चल रहे हैं। अगर किसी ने मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं ये बम फोड़ दूंगा। एक मिनट, तुमने शायद हमको पहचाना नहीं। माय नेम इज लल्लन, इंस्पेक्टर लल्लन। और मैं इंस्पेक्टर भूषण तिवारी उर्फ अमित जोसेफ दीवाना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं बम फोड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, मैंने ये बम किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया, मेरे सरकार से कुछ पंगे हैं। Ha ha ha!
सोचने के लिए दिमाग थोड़ी चाहिए होता है, दिमाग तो नंबर डायल करने में लगता है। नंबर डायल करने में तो अंगूठा लगता है। अंगूठा तो बैंक में लगता है। बैंक में तो एटीएम लगता है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगता है। मुंह तो गर्दन के साथ लगता है। चल मास्टर जी ये सही तो लग रही है फिटिंग, बट मेरा डांस सोना क्या था। नचते ने सारे हल मिलके आज टुकल के लिए सारे। गुड मॉर्निंग। मुझसे बात मत करो। क्या हो भी गया? रात कितनी भी कराए थे, कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, तुम्हारे शूज मैंने उतारे, तुम मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। गंदी गंदी गालियां? हाँ गंदी गंदी गालियां, बहुत गंदी गंदी गालियां। सुनने के लिए पैदा नहीं हो, तुम्हें जान से मार दूंगी, बता रही हूँ, सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। जान से मार दोगी? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम। तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो शराब को या मुझे। तुम्हें एक को तो छोड़ना ही होगा। जाओ, छोड़ दिया। सच सच सच? हाँ जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस। भाई क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? भाई मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यार मेरे सारे दोस्त फोन पे लगे रहते हैं, और उनसे पूछो किससे बात कर रहे हो तो बोलते हैं तेरी भाभी से। सवाल मैथमेटिक्स का है। ओह, गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो जीरो बचेगा। आपके ऑप्शन हैं? ऑप्शन भी हमारे पास चार हैं। अरे सुन, अगर तू बकरी होती तो कितना अच्छा होता ना। क्यों, मेरे बकरी होने से तुम्हारा क्या फायदा होता? अगर हम दोनों में कभी लड़ाई होती और मैं पूछता ये किसकी गलती है, तो तू बोलती मैं। मैंने गई होटल में तो मैंने पूछा what is, यानी क्या क्या है। तो उसने यानी डेफ ने बताया all some is, सब कुछ है। 150 रुपए के लिए जो सवाल था वो आप जीत गए। हुआ शर्म जी आ रही है, पुष्पा भी देख रही होगी टीवी। ये पुष्पा के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ पिटवा दे मुझे पड़ोसी से, तुझे और बता दूं पुष्पा के बारे में। आपको गाल सुनाया थी जरा, मैंने आशा आवे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਗਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਰ ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਤੋ ਕਾਂਡ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋ ਲੜਕੀ ਕੈਸੇ ਰਹੇਗੀ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਤੋ। ਅਰੇ ਯੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਤੋ ਰੱਖੋ, ਤੁਮ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਮੇਰਾ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਯਹਾਂ। और भाई क्या हाल है, 20 की बर्फ दे दो यार आज। भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ बर्फ ठंडी चाहिए या गर्म? क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब हाँ हाँ पूछ, तेरी तो शादी हो चुकी है इसलिए पूछ रही हूँ तुझसे ये सवाल। हाँ हाँ पूछ भी ले। ये शादी कब होती है? शादी शादी हाँ शादी ले फिर सुन, शादी जब होती है जब आपका समय खराब चल रहा हो, राहु केतु और शनि की दशा खराब हो, आपका मंगल कमजोर हो, और हाँ जब भगवान ने भी आपके मजे लेने की ठान ली उस समय शादी हो जाती है। ठीक है मैं चलती हूँ। न्यू बता, मैं किसी लागू सूं? तू इसी लाग गए जनू भगवान शंकर के गले में नागन लिपट रही हो।
अच्छा इब तने मैं नागन लागू सू, जब मारा ब्याह होया जब तो तने मैं बहुत मीठी लग गया कर दी, बड़े मीठे मीठे नाम ते बुलाया करदा, कदे मेरी रसमलाई कदे मेरी रबड़ी। बावली दूध की बड़ी मिठाई कितने दिन ताजा रहेगी बता। अच्छा यह बात है।